तो निफ्टी का एनालिसिस करते हैं आज फॉर द कमिंग एक्सपायरी। मैं मेनली निफ्टी ट्रेड करता हूँ, इसलिए निफ्टी पे चलते हैं। सबसे पहले ये वीकली चार्ट है, हमें दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था अपनी। निफ्टी तोड़ा, रीटेस्ट। तो अगर हम वीकली में देखें, वीकली में वीक है, ठीक है। अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको ये लेवल तो पता ही है कि बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है ऊपर, और नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो समवेयर अराउंड 16,800 से लेके लगभग 17,000 तक का आप समझ लो, जहाँ पे बायर्स रेडी बैठे हैं। सेलर्स हर ऊपर के लेवल पे बेच रहे हैं अभी, वो यहाँ बेच रहे हैं, यहाँ पे बेचा और उसके बाद यहाँ बेचा गैप डाउन के साथ। अब चलते हैं आवरली चार्ट पे। तो मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मैं थोड़ा सा आवरली का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बड़ा व्यू लेना ज़रूरी होता है ताकि एक पता हो हमारे को बुलिश है कि बेरिश है या साइडवेज है। बट अब आवरली पे देखें तो जो ये वाला जोन है, इससे पहले भी एक बार रिवर्स हुआ था, दैट इज़ 17,100 वाला, और इतनी बड़ी फॉल के बाद भी यहीं से रिवर्सल लेके ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस मिली 17,600 पे। तो इसकी जगह आप ये देखो, यहाँ पे जहाँ से मैसिव सेलिंग आई है, 17,800 एक अच्छी आप कह सकते हो सॉलिड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। ये तो हमारे को छोटी सी एक रेंज मिल गई, बट अब अगर हम डेली पे चलें, अब अगर निफ्टी ये लेवल तोड़ता है अपना 16,800 वाला या फिर 17,000 वाला, इसके पास आता रहता वीकली, इसके पास आता रहता इस जोन के पास, तो हमारे को नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट होगा ये वाला। लोग यहाँ पे बायर्स रेडी होंगे बाय करने के लिए दोबारा इसके बाद। पर्सनली मेरे को लगता है 17,000 अभी होल्ड कर सकता है इस वीक के लिए, और हाई के लिए 17,800 मेरे हिसाब से एक अच्छा एरिया रह सकता है सेफ्टी का। उसके नीचे का एरिया ये रहेगा जहाँ से आप देख रहे हो दो बार विक्स है यहाँ पे 17,650 पे, क्योंकि अगर आपने पिछली एक्सपायरी देखी होगी तो 650 की कॉल बिल्कुल भी थ्रेटन नहीं हो रही थी, जबकि 600 पे था निफ्टी। तो आई थिंक वो भी अभी तक सॉलिड हो सकता है, और ये एक अच्छी डोजी आप देख रहे हो, इसका जो लो है दैट इज 17,000, वो एक अच्छा सपोर्ट एक्ट कर सकता है। ये व्यू है मेरा निफ्टी का। बाकी एनालिसिस करने से कुछ होता नहीं है ज़्यादा, ट्रेड करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन एनालिसिस। एनालिसिस कोई भी कर सकता है। आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।